सुप्रभात विद्यार्थियों, द्वादश है पाठ है, बारवा पाठ हमारा चल रहा था मरु सौंदर्यम, रेगिस्तान की सुंदरता। तीन श्लोक हमने पढ़ लिए थे, उससे आगे हम देखते हैं। आज चौथा श्लोक है, से शीतल है गंध वह च समीर है, तित्तिराणाम च मधुर विराव है, बरह विभूषणानाम तत्नर्तनम सा च पुरुंगमाणाम समुत्प्लोति। सह वह शीतल है, शीतल अर्थात ठंडी, तो वह शीतल गंध वह समीरे और सुगंधित हवा, वह शीतल और सुगंधित हवा, तित्तिराणाम चे से मधुर विरावे, तीतरों की मधुर आवाज या तीतरों का मधुर कलरव। तीतर तो नाम आपने सुना होगा, तो वही तीतर यहां पर है। तित्तिराणाम चे मधुर विरावे, तीतरों का मधुर कलरव अर्थात तीतरों की मधुर आवाज, बरहे विभूषणानाम तत् नर्तनम और मोरों का वह नृत्य, साचे कुरुंगमाणाम समुत्प्लति और वह हिरणों की उछल कूद किसके मन को आकर्षित नहीं करती है। वह शीतल और सुगंधित हवा, तीतरों की मधुर आवाज, मोरों का वह नृत्य और हिरणों की उछल कूद किसके मन को आकर्षित नहीं करती है, अर्थात सबके मन को आकर्षित करती है। नेक्स्ट है, ते तुंदिलाहा स्वादु रसा कलिंगहा, साचे शारदी चंचल चंद्रिका, स्फुर गावलिशु स्फुरंति स्फूर्ति ही, क्रमेल का नाम चे ताता गति है। ते वे तुंदिला मोटे स्वादु रसा स्वादिष्ट रस वाले कलिंगहा मतीरे, वे मोटे स्वादिष्ट रस वाले मतीरे, साचे शारदी चंचल चंद्रिका और वह शरद ऋतु की चंचल चांदनी, स्फुर गावलुसी स्फुरंती चे और पक्षियों के पंक्तियों की फड़कती हुई फुर्ती, पक्षियों के पंक्तियों की फड़कती हुई फुर्ती, क्रमेल का नाम चे ताता गतिये और उन ऊंटों की गति से किसका मन आकर्षित नहीं होता है, अर्थात सबका मन आकर्षित होता है। वे मोटे स्वादिष्ट रस वाले मतीरे और वह शरद ऋतु की चंचल चांदनी, पक्षियों के पंक्तियों की फड़कती हुई फुर्ती और उन ऊंटों की गति से किसका मन आकर्षित नहीं होता है, अर्थात सभी का मन आकर्षित होता है। छठा श्लोक है, वर्षागमे चारु मरुम विहाय अन्यत्र क्वे कश्यापि चित्तम रमेत, यस्मिन् मरौ वर्षा समये अपि सरसुः शरद प्रसन्नम सलिलम चकास्ति। वर्षागमे समय, वर्षा के समय पर चारु मरुम सुंदर मरुस्थल को विहाय छोड़कर अन्यत्र दूसरी जगह क्वे कश्यापि कहां किसका चित्तम मन रमेत रमता है। वर्षा के समय में सुंदर मरुस्थल को छोड़कर दूसरी जगह या अन्यत्र कहां किसी का मन लगता है, अर्थात कहां किसी का मन प्रसन्न होता है। यस्मिन मरौ जिस मरु प्रदेश में वर्षा समय अभी वर्षा के समय में भी सरसु तालाब शरद प्रसन्नम शरद ऋतु के समान सलिलम जल चकास्ती शोभा देता है। जिस मरु प्रदेश में वर्षा के समय में भी तालाब में शरद ऋतु के समान जल शोभा देता है। वर्षा के समय में सुंदर मरुस्थल को छोड़कर अन्यत्र कहां किसी का मन रमता है, अर्थात अन्यत्र कहां किसी का मन प्रसन्न होता है। जिस मरु प्रदेश में वर्षा के समय में भी तालाबों में शरद ऋतु के समान जल शोभा देता है, अर्थात शरद ऋतु के समान जल सुशोभित होता है। वर्षा के समय में सुंदर मरुस्थल को छोड़कर अन्यत्र कहां किसी का मन रमता है, अर्थात अन्यत्र कहां किसी का मन प्रसन्न होता है। जिस मरु प्रदेश में वर्षा के समय में भी तालाबों में शरद ऋतु के समान
जल शोभा देता है, अर्थात शरद ऋतु के समान जल सुशोभित होता है। सातवां श्लोक है, मरौ गावह प्रसन्नः मनुजः प्रसन्ना व्रत दान यज्ञे च देवाः प्रसन्ना किम नाम तत् यत् मरो न समृद्धम सो अयम मरुः भवता विद्या समृद्धो विदेह। मरौ मरु प्रदेश में अर्थात रेगिस्तान वाले प्रदेश में गावह प्रसन्नः गायें प्रसन्न हैं, मनुजः प्रसन्नः मनुष्य प्रसन्न हैं, व्रत दान यज्ञे च देवः प्रसन्ना व्रत दान और यज्ञों से देवता प्रसन्न हैं। किम नाम तत् ऐसा क्या नाम है यत जिससे मरो न समृद्धम मरु प्रदेश समृद्ध नहीं है, ऐसा क्या नाम है जिससे मरु प्रदेश समृद्ध नहीं है। सो अयम इसलिए अयम मरु इस मरु प्रदेश को भवता आप विद्या समृद्धो विदेह विद्या से समृद्ध करो, इसलिए इस मरु प्रदेश को आप विद्या से समृद्ध करो। मरु प्रदेश में गायें प्रसन्न हैं, मनुष्य प्रसन्न हैं, व्रत दान और यज्ञों से देवता प्रसन्न हैं, ऐसा क्या नाम है जिससे मरु प्रदेश समृद्ध नहीं है, इसलिए इस मरु प्रदेश को आप विद्या से समृद्ध करो। अंतिम श्लोक है, मानम मनीषिताम मैत्री उष्णम मरुत मरीचिका मृगः मनुष्याणाम मूर्धिन उष्णिशम इति एतम सर्वम मरौ प्रमुखम। तो देखिए अंतिम श्लोक, मानम सम्मान, मनीषिता विद्वता, मैत्री मित्रता, उष्णम मरुत गर्म हवा, मरीचिका मृगः मृग तृष्णा, तृष्णा होती है प्यास, मृग तृष्णा, मनुष्याणाम मूर्धनम उष्णनम सभी मनुष्यों के सिर की पगड़ी, इति एतत् सर्वम यह सभी मरौ प्रमुखम मरु प्रदेश में प्रमुख हैं। सम्मान विद्वता मित्रता गर्म हवा मृग तृष्णा सभी मनुष्यों के सिर की पगड़ी ये सब मरु प्रदेश में प्रमुख हैं। एक बार और देख लें, सम्मान विद्वता मित्रता गर्म हवा मृग तृष्णा सभी मनुष्यों के सिर की पगड़ी ये सब मरु प्रदेश में अर्थात रेगिस्तान वाले प्रदेश में प्रमुख हैं। तो विद्यार्थियों ये आपके श्लोक थे, देखिए ये इन सभी का अन्वय था, अन्वय से आपको भावार्थ करवाया गया है जिससे कहीं ज्यादा अच्छे से आप समझ सकें। द्वादश पाठ है, बारहवें पाठ का भावार्थ आपका कंप्लीट है, आठ श्लोक इसमें दिए हुए हैं, सभी का भावार्थ आपको कॉपी में करना है। कुछ संधि युक्त पद भी यहां पर प्रयोग किए गए हैं, देखिए छठे श्लोक में देखिए शब्द लिखा हुआ है वर्षागमे, संधि विच्छेद हम करेंगे वर्षा प्लस आगमे, वर्षा प्लस आगमे, वर्षा में आ प्लस आगमे का आ, तो आ प्लस आ दोनों तरफ समान स्वर आ रहा है और जहां दोनों तरफ समान स्वर आता है तो आपको पता है वहां दीर्घ संधि होती है, और आ प्लस आ मिलकर क्या बन गया आ बन गया, इसलिए समस्त पद यहां पर बन गया वर्षा गमे। और देखिए सो अयम, सो अयम सह प्लस अयम, सह प्लस अयम यहां उत्त संधि हो गई जो कि विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है, विसर्ग संधि में विसर्ग का उ बन जाता है उत्त संधि से और उ पहले वाले ए के साथ मिलकर ओ बन जाता है, इसलिए सह प्लस अयम से बन गया सो अयम उत्त संधि। देखिए इति एतत् सर्वम, इति प्लस एतत्, इति प्लस एतत्, इति में तय में ई आ रहा है
और आगे ए है। ई के बाद में ए आ गया असमान स्वर यण संधि, और यण संधि में ई के स्थान पर यह हो जाता है। तो देखिए यहां पर यह आपको दिख रहा है, ये क्यों बना? क्योंकि आगे ए है और ए मिल गया ये में, इसलिए यहां बन गया ये। तो इति प्लस एतर यहां हो गई आपकी यण संधि। तो विद्यार्थियों ये कुछ आपके संधि युक्त पद थे। अगली कक्षा में हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।